साथियों, देश के लोगों को उनका सही सामर्थ्य तभी सामने आ सकता है जब सरकार इंडिया, इंडियन और इंडस्ट्रीज के आगे बाधा बनकर नहीं बल्कि उनका साथी बनकर के खड़ी रहे। बीते वर्षों में देश ने यही मार्ग अपनाया है। बीते वर्षों में देश में रिफॉर्म विथ इंटेंट, परफॉर्म विथ इंटीग्रिटी, ट्रांसफॉर्म विथ इंटेंसिटी, प्रोसेस ड्रिवन एंड प्रोफेशनल गवर्नेंस देने की कोशिश लगातार होती रही है। उद्योग जगत की मुश्किलों को समझा गया है, उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया है। साथियों, आजकल इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी की इतनी चर्चा होती है, लेकिन ये सिर्फ इतना पैसा वापस आया, उतना पैसा वापस आया, वहां तक ही सीमित रहती है। लेकिन वो उससे भी आगे है। आप सभी ये बेहतर जानते हैं कि कुछ स्थितियों में धंधे से बाहर निकलना ही कई बार समझदारी माना जाता है। ये जरूरी नहीं कि जो कंपनी सफल न हो रही हो उसके पीछे कोई साजिश ही हो, कोई गलत इरादा हो, कोई लालच हो, ये जरूरी नहीं है। देश में ऐसे उद्यमियों के लिए एक रास्ता तैयार करना आवश्यक था और आईबीसी ने इसका आधार तय किया। आज नहीं तो कल इस बात पर अध्ययन जरूर होगा कि आईबीसी ने कितने भारतीय उद्यमियों का भविष्य बचाया, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद होने से रोका।